फोक्स, जेनिफर हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पर्ल ज्वेलरीज की। यस, पर्ल ज्वेलरीज, आपको तो पता है, अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो पर्ल ज्वेलरीज हम ऑलरेडी मैं आपको काफी ज्वेलरीज दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गोल्ड ज्वेलरी जो कि पर्ल्स फॉर्म में है, वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल से है, बोल्ड है। और पर्ल्स जिनका फेवरेट है, वो हम सब का फेवरेट है, आपको पता है पर्ल्स ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव होती है, जो ओरिजिनल पर्ल्स है वो अभी मिलना नामुमकिन है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो जनरेशन से जनरेशन जिनके पास पर्ल ज्वेलरीज है वो अपने जनरेशन को देते रहते हैं, और फिर वो आगे टू आगे उन लोगों को पर्ल रियल ज्वेलरीज मिलती है। लेकिन हमें जो मिलती है वो भी एक तरह की नेचुरली होती है, लेकिन वो मैन मेड नेचुरल होती है, जो कि है कल्चर्ड पर्ल्स के फॉर्म में, या फिर आर्टिफिशियल पर्ल्स जो कि है प्लास्टिक या ग्लास के फॉर्म में, जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। राइट, नेचुरल पर्ल्स जो होती है वो आपको तो पता है ऑयस्टर्स से मिलते हैं, या एनी अदर फॉर्म ऑफ सी एनिमल से मिलते हैं, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से होते हैं। उनका जो लुक होता है, उनका जो शाइन होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। मैं पूरी बात आपको पर्ल्स के बारे में बताऊंगी अपने आने वाली एपिसोड्स में, उसके लिए मुझे अलग से एक एपिसोड बनाना पड़ेगा जहां मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पर्ल्स को डिफाइन कर सकते हो, कैसे शॉपिंग कर सकते हो पर्ल्स के, कैसे ओरिजिनल और फेक पर्ल्स में आपको पता चलेगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास ज़्यादातर जो पर्ल्स आते हैं वो कल्चर्ड पर्ल्स होते हैं, जो कि चाइना या जापान से होते हैं। चाइना के पर्ल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जापानीज पर्ल भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो है ये कल्चर्ड पर्ल्स होते हैं जो इन्होंने मैनमेड फॉर्म में बनाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल की तरह ही होता है, लेकिन जो इसको, लेकिन ये नेचुरल नहीं बनते हैं, ये मैनमेड बनाए जाते हैं, वो मैं पूरा प्रोसेस कभी फिर बताऊंगी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आज जो मैंने पहन रखी है ये ब्लैक साड़ी है, रफल साड़ी है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है। आप देख सकते हो इसमें इस तरह के की ब्यूटीफुल से इसका पल्ला है, और इसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगी लास्ट में, ताकि ये सारी चीजें आपको दिखा दूं सबसे पहले, फिर बात करेंगे इस बारे में। इतने अच्छे अच्छे बोल्ड नेकलेसेस पर्ल्स के मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये एपिसोड, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और सारी चीजें देखिए। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की, मैं आपको बताऊंगी, मेरे जो ज्यादा सब्सक्राइबर्स है वो मेल बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, आई डोंट नो हाउ कम, बट फीमेल फॉलोअर्स से ज्यादा मेल फॉलोअर्स है। एनीवेज, आप अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हैं, सिस्टर्स के लिए भी ले सकते हैं, और मम्मी के लिए भी ले सकते हैं, सास के लिए भी ले सकते हैं। डेफिनेटली थैंक यू सो मच गाइज दैट आप मेरे चैनल को इतना पसंद करते हो। आज मेरे लिए, आई जस्ट वेंट थ्रू एंड जस्ट, अरे हाउ इट वॉज लाइक, मेल फॉलोइंग इज सो मच, एनी वेज थैंक यू सो मच। बट ठीक है, मैं आपको इतनी सारी ज्वेलरीज दिखा रही हूँ आज, देखिए दो ट्रे भर भर के ज्वेलरीज है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जो पर्ल्स ज्वेलरी, देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पर्ल्स ज्वेलरी होती है वो बहुत ही फेमिनिन होती है, बहुत ही ब्यूटिफुल सा उनका लुक होता है। तो अगर आप बोल्ड एक ज्वेलरी पहनना चाहते हो तो आप जो है छोटे स्टड्स पहन सकते हो पर्ल्स के, या फिर अगर आप बहुत बोल्ड इस तरीके के जो है, ये भी सीड पर्ल्स का बना हुआ है, बहुत बोल्ड सा एक एक बहुत गोल सा इयर रिंग है, बहुत बोल्ड से नीचे भी आप देख सकते हो इसके जो ये लगे हुए हैं पर्ल्स, और ऊपर से भी पर्ल्स का ही, पूरा पर्ल्स का ही है। अगर आपने इस तरीके का कोई पर्ल्स का इयर रिंग पहन रखा है तो आपको नेकलेस पहनने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देती हूँ। और पर्ल्स का हमने ही गोल्डन सा ये लगा, अगर आपने साड़ी में सिल्वर पहन रखा है तो आप सिल्वर फॉर्म में जो है इयर रिंग पहन सकते हैं, सिल्वर फॉर्म का ये पहन सकते हैं, जैसे कि ये है इस तरीके का या फिर इस तरीके का भी मिल जाएगा आपको, जो कि पर्ल में होगा, जो कि सिल्वर फॉर्म में होगा, अगर आपने सिल्वर साड़ी पहन रखी है, या फिर आप कॉन्ट्रास्ट में भी उसको पहन सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सबसे छोटी चीज से। अगर आप ज्यादा, अगर आपने जो हमारी एक्ट्रेसेस को देखा होगा या सेलिब्रिटीज को देखा होगा, तो एक स्ट्रैंड का ये लोग मोती पहनते हैं इस तरीके का, जो एक सिंपल सा नेकलेस होता है, आप इस तरीके से पहनते हैं। कोई कोई जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंड भी पहन लेते हैं, आप इसको चाहिए दो अलग है, आप डबल को करके भी इस तरीके से पहन सकते हैं। थर्ड जो है, आप इसमें एक लॉकेट फिट करके पहन सकते हैं, इतना खूबसूरत सा, ये देखिए। फोर्थ जो है, आप थोड़ा और बोल्डर लुक के लिए इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा देख सकते हैं, पहन भी सकते हैं। विक्टोरियन टाइम पे नेकलेस जो है पर्ल्स का बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है, ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्लस्टर्स हैदराबाद में, इंडिया में बहुत ही ब्यूटीफुल
और नेकलेसेस मिलते हैं जो पर्ल के हैं। नेक्स्ट है इस तरीके से, आप इस तरीके का नेकलेस भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो कलरफुल फॉर्म में है, आप देख सकते हो इतने ज़्यादा मल्टी कलर है, सब बंजारन लुक आपको देते हैं। प्लस आपको पटक इस तरीके के लेस फॉर्म में भी पर्ल्स नेकलेसेस मिल जाएंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। थोड़ा अगर आप और बोल्ड लुक देखना चाहते तो इस तरीके का पर्ल्स आप ले सकते हो नेकलेस में, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो है, अब हम थोड़ा और बोल्ड लुक की तरफ चलते हैं क्योंकि नेकलेसेस है और आजकल बोल्ड का फैशन बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं हम अपने बोल्ड पर्ल्स नेकलेस की तरफ जो कि थोड़े से लॉन्ग में है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका ग्रीन पेंडेंट है, आप देखो गोल्ड ग्रीन पेंडेंट है, डबल स्ट्रैंड का जो है इसका नेकलेस है, यानी आपको चार स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं, चार या छह है, सॉरी फ्रेंड्स सिक्स स्ट्रैंड्स है ये, मतलब तीन तीन के स्ट्रैंड्स आपको मिल जाते हैं और ये काफी लॉन्ग है, तो आपकी प्लेन साड़ी पे ये इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना ज्यादा आपको ब्यूटीफुल लगेगा, लॉन्ग ब्यूटीफुल, ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, और ये इसकी इयररिंग है, ये मैं इयररिंग भी दिखा देती हूँ, ये इसकी इयररिंग्स है जो इसके साथ मिली है, इस तरीके से एक फ्रेश वाटर पर्ल लगाया हुआ है नीचे, फ्रेश वाटर पर्ल्स भी होते हैं वो भी कल्चर्ड पर्ल्स होते हैं। एनीवेज चलिए नेक्स्ट जो है इस तरीके का आपको मिल जाएगा, ये आप थोड़ा वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई इवनिंग गाउन पहन रखा है या ये कोई ड्रेस पहन रखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ये देखिए इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, यू नो इससे थोड़ा और आप बोल्डर लुक लोगे तो इस टाइप का आपको मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा, मैं इसको दो तीन तरीके से यूज करती हूँ, एक तो हम गले में भी पहन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है आप अपने यहाँ पहन सकते हैं सर पे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है। थर्ड जो है आप अपनी साड़ी के जो है इस तरीके से यहाँ पहन सकते हैं। फोर्थ जो है आप अपने ब्लाउज के बैक पे पहन सकते हैं इसको, यस फ्रेंड्स ब्लाउज के बैक पे, जो आपका ये पीछे का जो बैक होता है ब्लाउज का, उस पे आप इस तरीके से इसको पहनिए। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इसको कैसे पहनते हैं, ये दोनों तरफ से इसका इस तरीके का हुक होता है इस तरीके का, तो उस हुक को आप पीछे से है वो लगा दीजिए और ये पूरा बैक आपका ब्लाउज में इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जैसे आप आगे। तो इस तरीके की आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो, आप दो तीन तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, यानी और भी काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा इन्वेस्टमेंट है जो आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, लेकिन जैसे ही आपको पता हर ज्वेलरी पे हम परफ्यूम नहीं यूज़ करना चाहिए और उसको यू नो वॉश करने का क्लीन करने का एक डिफरेंट ये है। आप ये जो माला है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आपने गले में पहन लिया है, अगेन एक रेट्रो लुक दे सकते हो, अगेन इसको आप जो है बालों में पहन सकते हो एज अ गजरा, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ये देखिए इस तरीके से, तो ये आपके ऊपर है, इवन आप एज अ हेयरबैंड भी पहन सकते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप एक इस तरीके के स्ट्रैंड्स को क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो है फैब्रिक ज्वेलरी को अब मैं दिखा देती हूँ, ये बहुत मेरी पुरानी ज्वेलरी है, जब मैं यू नो वेन आई टू वर्क इन वीडियोज एंड एड्स, उस टाइम पे मैं ये ज्वेलरीज बहुत यूज़ करती थी, बिकॉज ये हल्की फुल्की होती थी तो आपको इसको यूज़ करने में बहुत ही, ये मैंने दुबई से लिया था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आप देखिए, और ये फैब्रिक ज्वेलरी तो बहुत ही ईजी है। इसके साथ इन्होंने मुझे पूरा का पूरा इस तरीके का लुक दिया था, ये देखिए इस तरीके से माथे पे ये पूरा था इसका, एंड इसकी जो इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको इसकी इयररिंग दिखा देती हूँ, ये पूरा फैब्रिक मेड है, ओके ये कोई मतलब हैवी सा नहीं है, पूरा फैब्रिक मेड है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो है मेरी फेवरेट ज्वेलरी, ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इसको पहनना भी बहुत ईजी है, यह असली है और इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ये देखिए कुछ नहीं पहना, आपने साड़ी पहन ली है और एक ये पहन लिया है, दैट्स इट, कंगन पहन लिए है तो भी चलेगा, नहीं पहने तो भी चलेगा, इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल, यू नो उसको निकालना भी बहुत आसान है, यानी कि थोड़ा सा फंस जाता है लेकिन इसको निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इसको ओपन कीजिए पहनिए। नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा बोल्ड 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 ये वाला है, ये नेकलेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके से ये आपके पूरा का पूरा गला जो है ये भर देता है, इस तरीके से आपको ये लुक देता है,
बाल निकाल के पहन सकते हो इस तरीके से। और ये जो है अगेन, इसके बहुत सारे आपको फायदे हैं, आप इसको फ्रॉक के ऊपर पहन सकते हैं, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि फ्रॉक का नेक पीस है, और आप इसको ब्लाउज के ऊपर लगा सकते हैं बैक साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप साड़ी के ऊपर पहन सकते हैं, एक एज अ बेल्ट करके आप यहाँ से पहन सकते हैं इसको पीछे से चेन लगा के। बहुत सारे यूज है आपको फ्रेंड्स, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो पर्ल्स का यही बहुत फायदा है कि आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने वेस्टर्न पर्ल्स की तरफ। मैं थोड़े से नेकलेसेस आपको दिखा देती हूँ ताकि जो है ये वीडियो हम खत्म कर दें, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा यू नो बड़ा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल पर्ल वेस्टर्न आउटफिट के ऊपर। ये वाला जो पर्ल है, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें एक इन्होंने पर्ल भी लगा दिया है, इसमें बहुत सारे चार्म्स है। ये देखिए सेकेंड जो है इस तरीके से है, इसमें हार्ट में इन्होंने बीच में इस तरीके रखा हुआ है, और यहाँ एक बोल्ड बोल्ड बड़े बड़े इन्होंने पर्ल्स लगाए हुए हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं वेस्टर्न कपड़ों पे। नेक्स्ट जो है स्टोन पर्ल्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे, जो कि इसमें दोनों यूज किए हुए आप देख सकते हैं, इसमें स्टोन्स भी लगे हुए और नीचे छोटे 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 पर्ल्स भी लगे हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो है इस तरीके की, ये मैं आपको सिल्वर में दिखा रही हूँ कि ज्यादातर वेस्टर्न जो लुक है ना सिल्वर में अच्छा लगता है रेदर देन गोल्ड। ये देखिए बहुत ही इसमें छोटे छोटे जो है डिजाइन डायमंड्स के डाल रखे हैं, प्लस इन्होंने पर्ल्स ऐड किए हुए, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो है ब्यूटीफुल सा स्टोन नेकलेस है जिसपे पर्ल्स लगे हुए छोटे छोटे छोटे, कितने ज्यादा खूबसूरत है ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप जब इस तरीके का नेकलेस यूज कर रहे हो तो आप मांग टीका में प्लीज कॉन्ट्रास्ट मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेकार लगेगा। आप इस तरीके से यू नो उसी का सिल्वर पैटर्न यूज कर सकते हो, अब देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है इसमें, थोड़ा और गोल्ड में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सॉरी सिल्वर में, इस तरीके से आप पहन सकते हो ये देखिए इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो सिल्वर तो आप सिल्वर ही रखिए, गोल्ड तो गोल्ड ही रखिए, बहुत कम में आप सिल्वर गोल्ड मैच कर सकते हैं अगर आपका यू नो ड्रेस उस तरीके का है। जो लास्ट सबसे ज्यादा बोल्ड सिल्वर में आप पहन सकते हो वो भी वेस्टर्न क्लोथ्स पे, वो है ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें बहुत बोल्ड बहुत बड़े बड़े इन्होंने पर्ल्स लगाए हैं, बहुत अच्छे यूज के लिए, पूरा बंजारा स्टाइल है ये। तो आपके आउटफिट को जो भी आपने पहना होगा लॉन्ग गाउन या आपने कोई भी अच्छा सा कोई फ्रॉक ड्रेस पहना हुआ तो भी बहुत अच्छा लगे, है ना मजेदार। ये देखिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो आई होप आपको इतनी सारी मेरी ज्वेलरीज, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा ज्वेलरीज है, बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और इस तरीके की और भी ज्वेलरीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गाइज कि आप मेरे चैनल को इतना देखते हो। एनीवेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आज मैंने क्या पहना है। तो मैंने पहना है ये रफल साड़ी है, आप देखिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका जो है ये पूरी साड़ी का जो रफल है इस तरीके से रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, जो यू नो फ्लोरल काइंड ऑफ इसका पूरा का पूरा लुक है इस तरीके का, और ये डाउन तक पूरा का पूरा जो है ये फ्लोरल है, आप देख सकते हो इस तरीके से। जो ब्लाउज मैंने यूज किया हुआ ये पूरा पूरा ग्लास ब्लाउज है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आप देखिए, ठीक है। हाथ में जो मैंने है बोल्ट कंगन पहने हुए हैं जो मीनाकारी वर्क किया हुआ है, ये जो है अगेन कुंदन वर्क किया हुआ है, इस पर भी मोती लगे हुए इसलिए मैंने इसको यूज किया है, ये पूरा का पूरा मोतियों वाला है, मोतियों में मोतियां यूज की हुई है। कान में बहुत ब्यूटीफुल सा एक मोतियों का पूरा बिग सर्कल इयररिंग पहना हुआ है, और यहाँ मांग टीके में भी मैंने एक बड़े बड़े मोतियों के ये पहने हुए हैं, और ये लुक मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा का पूरा लुक जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैक पर्ल्स कलेक्शन जैसा लग रहा है ना। ओके एनीवेज तो आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं, और आप मुझे देखें नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पर्ल्स में, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा एपिसोड रहने वाला है। अगेन पर्ल्स के बारे में मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाली हूँ, चाहे वो कल्चर्ड पर्ल्स हो, चाहे वो फ्रेश वाटर पर्ल्स हो, चाहे वो चाइना मेड पर्ल हो, चाहे वो जापान मेड पर्ल हो, चाहे वो इंडिया मेड पर्ल हो, चाहे वो फिजी मेड हो, चाहे वो मालदीव्स मेड हो, चाहे जहीं का भी पर्ल्स हो, पर्ल्स पर्ल्स होते हैं। पर्ल्स की ब्यूटीफुल ज्वेलरी आप लीजिए, पहनिए, उसे फ्लॉन्ट कीजिए। अगर मेरे पास इनके डिटेल्स अवेलेबल हो गए तो आप मुझे मेल कीजिए, और अगर आपको ये खरीदना है तो मेरे पास अवेलेबल होगा तो आप वो खरीद भी सकते हैं, बट नो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। एंड इतना सारी ढेरों भरी मैंने आपको जो आज इतना ज्यादा भाषण दिया है उसको अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।